हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर कि ऑनलाइन क्विज वेबसाइट कैसे बनाएं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारे सामने क्वेश्चन आ रहे हैं और इनको आंसर करना है, और यहाँ पर अगर हमारा क्वेश्चन सही होता है तो हमें यहाँ पर एक नंबर काउंट हो जाएगा, और अगर यहाँ पर हमारा आंसर रॉन्ग होता है तो उसका नंबर हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है द, और फिर यहाँ पर एट्रीब्यूट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, इसका आंसर होगा कंटेंट। अब देखिए यहाँ पर यहाँ ये फाइव क्वेश्चन आएंगे, इसमें CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल सीट और टीसा विच आर यूज विथ अ टैग टू मॉडिफाई इट्स फंक्शन, इसका आंसर हो जाएगा एट्रीब्यूट्स। और इसके बाद विच प्रोग्राम इज यूज बाई वेब क्लाइंट्स टू व्यू द वेब पेज, तो इसका हो जाएगा वेब ब्राउजर। इसके बाद अगला हमारा है हाउ मेनी कलर नेम आर यूज बाई द ब्राउजर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यह 16। अब देखिए यहाँ पर हमारे ये पाँच के पाँचों क्वेश्चन सही थे, और यहाँ पर लिखा हुआ है यू एंसर्ड, और इसके बाद हमने कितने क्वेश्चन सही किए और टोटल कितने क्वेश्चन थे। और फिर यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए फिर से प्ले करना है क्विज, तो आप यहाँ पर प्ले अगेन करके यहाँ पर फिर से आ सकते हैं। अब देखिए इसको एक बार गलत कर दो, पहले ही गलत करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पहले में कर देता हूँ, टेक्स्ट कर देता हूँ। फिर अब मैं यहाँ पर कैस्केडिंग स्टाइल से दूसरे वाले में जैसे स्टैंड फॉर फिर विच आर मॉडिफाई द फंक्शन, इसका हो जाएगा एट्रीब्यूट्स, ये हमारा एट्रीब्यूट्स। और इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन वेब सर्वर और सॉरी वेब ब्राउजर यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर 16। अब यहाँ पर देखिए चार क्वेश्चन ही हमने सही किए हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए चार यहाँ पर आ चुका है। तो ये वेबसाइट आपको क्विज वेबसाइट आपको कैसे बनानी है, तो ये बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर आप हमने क्या यूज़ किया है, HTML यूज़ किया है, CSS यूज़ किया है और JavaScript यूज़ किया है। तो यहाँ पर JavaScript देखिए बहुत ही सरल है, यहाँ पर ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टफ रहता है JavaScript, तो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले चलिए मैं आपको HTML और CSS पहले बताता हूँ। तो HTML में क्या है कि हमने सबसे पहले यहाँ पर लिंक Arial स्टाइल सीट और quiz1.css के नाम से हमने इस फाइल को सेव किया हुआ जो CSS वाली है, उसके हमने अटैच कर दिया यहाँ पर। और इस फाइल में हमने क्या किया हुआ CSS वाले पार्ट में, CSS वाले पार्ट में यहाँ पर हमने उसकी स्टाइल अप्लाई की है। तो यहाँ पर स्टाइल HTML पेज की यहाँ पर स्टाइलिंग की हुई है, और यहाँ पर div क्लास कंटेनर यहाँ पर जो हमने एक यहाँ पर देखिए सबसे पहले quiz1 वाली क्लास हमारी CSS की है, और यहाँ पर quiz1.html। अब HTML वाली पार्ट की मैं बात करता हूँ, तो div क्लास और यहाँ पर क्विज कंटेनर, यहाँ पर क्लास एक हमने अप्लाई की, और यहाँ पर देखिए ये हमारे यानी कि क्वेश्चन इज लोडिंग आंसर, ये हमारे पूरा सबमिट तक आखिरी तक ये वाला क्लास हमारी क्विज कंटेनर अप्लाई होगी, ठीक div। इसके बाद क्लास यहाँ पर क्विज हेडर, और यहाँ पर div क्लोज होता है। फिर इसके बाद H2 में हमने यहाँ पर ID और यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर हमने दिया, यहाँ पर आई डी इसको दे दिया है, और यहाँ पर UL को कर दिया है। यहाँ से हमारा देखिए UL स्टार्ट होता है। अब हमें क्या करना है कि हमें क्वेश्चंस बनाने, तो हमें क्या करना पड़ेगा आंसर के लिए, वहाँ पर हमें देखिए टेबल बनानी होती है, तो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट हमने आपको बताया, तो UL यानी कि अनऑर्डर लिस्ट वाले चीज़ हमने यहाँ पर बनाना है, तो UL हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। और UL के अंदर हमें जो आंसर मैं रखूँगा वहाँ पर, तो वो हमारा कहाँ पर हो जाएगा, वो हमारा जाएगा लिस्ट आइटम के अंदर। तो लिस्ट आइटम के अंदर हमने UL के बाद LI बनाया हुआ है, यानी कि जैसे कि हमारा UL हुआ और UL के अंदर हम लिखते हैं लिस्ट आइटम, तो लिस्ट आइटम के लिए जो वहाँ पर हमारे वो रहेंगे आंसर रहेंगे, जैसे कि ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये प्ले अगेन करता हूँ, ये जो आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं इसके लिए हमें वो चीज़ें करनी पड़ती है। तो LI यानी कि लिस्ट आइटम हमारा हो जाएगा वो। तो इनपुट टाइप सबसे पहले रेडियो बना लेना है, नेम आंसर करना है, ID इसको हमने A दे दी है, और यहाँ पर क्लास इसको आंसर अप्लाई कर दिया, और लेवल फॉर हमने A दे दिया, ID हमने इसको दे दी A_text, ID आप कोई भी दे सकते हैं, और यहाँ पर आंसर कर दिया है हमने। फिर इसके बाद दूसरा हमने यहाँ से स्टार्ट किया LI, इनपुट टाइप सेम वही चीज़ें रखी हुई हैं, तो इस तरह से ये हमने दिया दूसरा, और यहाँ पर हमने ले लिया इसको तीसरा, और फिर ये हमने इसको कर दिया यहाँ पर चौथा। तो इस तरह से हमें चार बना लेने हैं। फिर UL क्लोज होता है हमारा, LI क्लोज हो, यहाँ पर LI क्लोज होता है, UL क्लोज होता है, फिर DIV हमारा, ये तो पहले आपको बताया था क्विज हेडर वाले, तो ये हमारा क्लोज होता है। और यहाँ पर बटन हमने यहाँ पर दे दिया, ये बटन में हमें कौन सी स्टाइल अप्लाई की है, वो जो क्विज कंटेनर वाली स्टाइल है वो यहाँ पर बटन में अप्लाई होगी, वो यहाँ तक वाली DIV जो है क्विज हेडर ये तो ऊपर तक रहेगा, और यहाँ पर ये जो बटन में आएगा वो DIV आएगा यहाँ पर क्विज कंटेनर वाला। तो इसके बाद यहाँ पर स्क्रिप्ट SRC यहाँ पर अभी मैं इसको अगर हटा देता हूँ, देखिए तो क्या फ़र्क पड़ता है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, अब देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा, वहाँ पर हमारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अभी देखिएगा ये यहाँ पर क्वेश्चन ही लोडिंग आ गया, अब यहाँ पर आंसर भी जो चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं, अभी मैं यहाँ पर CSS वाला पार्ट नहीं, अभी JavaScript वाला जो है वो अप्लाई नहीं किया, तो हमें ये जो आंसर ये लिखा हुआ है चार,
तो हमें कुछ इस तरह से ये हमें यहाँ पर मिलने लगे, चार हमने ऑप्शन रखे तो हमें ये चार आंसर मिलने लगे। और अगर मैं जावा स्क्रिप्ट ऐड कर देता हूँ तो वो यही आंसर की जगह हमें वहाँ पर आ जाता है क्या, जावा स्क्रिप्ट। वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा जो भी बहुत ही अच्छे सिखाऊंगा स्टार्टिंग से जब बताऊंगा तो, लेकिन अभी थोड़ा सा आप यहाँ पर समझ लीजिए। अगर आपको कहीं दिक्कत भी आती है तो आप वहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप खुद से जब कोड करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी ज़्यादा अच्छा करने की। तो यहाँ पर अभी आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन इज लोडिंग जो ऊपर दिखा हुआ है H2 में वो आपको वहाँ पर क्वेश्चन इज लोडिंग भी दिखेगा। तो ये फर्क है हमारा जावास्क्रिप्ट का भी, जावास्क्रिप्ट यहाँ पर ऐड नहीं है। जैसे मैं जावास्क्रिप्ट यहाँ पर ऐड करूँगा, देखिए कंट्रोल भी में जाता हूँ, जावास्क्रिप्ट यहाँ पर ऐड कर, मैं यहाँ पर ऐड कर दिया जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारे फिर से वापस आ गए। तो यहाँ पर देखिए ये खूबसूरती होती है पेज की, अगर आपको जावास्क्रिप्ट अगर आपको नहीं ऐड करना है तो आपको उसमें फिर अगर आपको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो जावास्क्रिप्ट आपको सीखना पड़ेगा। और जावास्क्रिप्ट मैं बिल्कुल बहुत ही अच्छे सिखाऊंगा, जो कि मैं लेसन फर्स्ट स्टार्ट करूंगा तो वो आपको मैं सिखाने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है आ गया ये में, और यहाँ पर आंसर आपको करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या, ये HTML वाला ये पार्ट तो आपको समझ में आ चुका है, यहाँ पर हमने आखिरी में जावास्क्रिप्ट वाली फाइल अप्लाई की, लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या लिखा वो मैं आपको समझाता हूँ। उससे भी पहले आप समझ लीजिए यहाँ पर CSS वाली पार्ट। तो जो हमने यहाँ पर क्या स्टाइल अप्लाई की है, सबसे पहले मैं आपको स्टाइल वाली बात करी, क्योंकि इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिखी हुई हैं जो कि आपको समझाने के लिए मैंने वहाँ पर हटा दिया था, लेकिन वो चीज़ें भी लिखी हुई। क्विज कंटेनर में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप क्विज कंटेनर की बात करता हूँ। तो क्विज कंटेनर के नाम से हमने यहाँ पर देखिए क्लास बनाई हुई है। तो क्विज कंटेनर में बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर कोड दे दिया हुआ है कलर का, और बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, यहाँ पर बॉक्स, यहाँ पर हमने शेडो, और यहाँ पर विड्थ 600, और यहाँ पर मैक्स विथ 95 BW, ओवरफ्लो हमने यहाँ पर हिडन कर दिया। तो ये हमारा हो गया कंटेनर वाली क्लास, यानी कि ये कहाँ तक अप्लाई हो जाएगा, ये हमारा अप्लाई हो जाएगा ये तो हमने दूसरे फाइल में आ गया, यहाँ पर हमारा ये क्विज HTML का ये फाइल। तो ये हमारा कहाँ तक अप्लाई होगा, ये हमारा पूरे पेज में अप्लाई होगा, यानी कि हमारे जो क्वेश्चन इज लोडिंग जहाँ पर लिखा हुआ था और आंसर जो लिखे हुए थे वहाँ पर ये सभी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। अब इसके बाद अब मैं बात करता हूँ अब वहाँ पर कौन सी क्लास अप्लाई है। अब इसके बाद क्विज हेडर वाली क्लास अप्लाई है। तो क्विज हेडर वाली क्लास में हमने क्या दिया, यहाँ पर देखिए डॉट क्विज हेडर में क्या दिया हुआ है, हमने यहाँ पर हमने प्रॉपर UL और LI सभी के लिए कोड लिखा हुआ है, क्योंकि हमने UL और LI सभी चीज़ें यूज की हुई हैं। तो हमारा मेन इतना ही है इसमें। तो क्विज हेडर और हमने पैडिंग 4 REM दे दिया, H2 के लिए भी हमने दिया वो कोड। अब UL के लिए भी यहाँ पर देखिए UL के लिए भी हमने दे दिया कोड, और यहाँ पर UL और LI साथ में कॉमन के लिए स्टाइल अप्लाई कर दी, UL LI के लिए लेबल कर दिया, और यहाँ पर बटन के लिए हमने अप्लाई कर दिया, और बटन ओवर के लिए हमने दे दिया, और बटन फोकस यहाँ पर दे दिया। तो ये चीज़ें अब आपको समझ में आनी शुरू हो गई होंगी, क्योंकि आपको मैंने कई वीडियो में ये सभी चीज़ें बताई हुई हैं। तो यहाँ पर क्विज हेडर के लिए ये पूरा हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया हुआ है। तो ये हमारा है UL LI लेबल, यहाँ पर बटन और ये सभी चीज़ें। तो कुछ इस तरह से हम करने के बाद आपको पेज में मिलेगा क्या, स्टाइलिंग मिलेगी पेज में। तो इस तरह से आपको स्टाइलिंग मिलेगी। अब इसके बाद अब आता है बात यहाँ पर CSS, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था कि quiz.1 जो यहाँ पर अगर मैं ये CSS वाली फाइल है, मैं HTML वाली फाइल से अगर मैं यहाँ से देखिए जावास्क्रिप्ट वाली चीज़ यहाँ से मैं इसको कॉपी करके अगर हटा देता हूँ, तो आपको मैंने क्या दिखाया था कि यहाँ पर हमें पेज में क्या हुआ था, ये हमारे क्वेश्चन सभी हट गए थे। अभी देखिए क्वेश्चन हट गए हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये हमारे पेज की खूबसूरती बनाता है जावास्क्रिप्ट। अगर आप ऐसे आप कुछ बनाने, देखिए कुछ आपको एडवांस अगर वेबसाइट बनाएं तो आपको कुछ अच्छा सीखना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट आपको वो चीज़ें सभी देता है, अगर आप HTML से वो सिंपल वेब पेज तो क्रिएट करने के लिए, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना, फंक्शन ऐड करने, उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। वो मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा। आप देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ लिंक, और इसको अटैच कर देता हूँ लिंक को, और अगर अब मैं रिफ्रेश करूँगा इसको सेव करने के बाद, अब देखिए क्या फ़र्क आएगा। अब हमें फ़र्क आता है कि हमारे यहाँ पर पूरे क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर मैं इनका आंसर भी करता हूँ और मैं सबमिट करूँगा तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन खुल जाएगा। और यहाँ पर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसका हमने आंसर कर, ये मैं इसको कर देता हूँ, और इसके बाद सीधे हमारे इसका आंसर हो जाएगा एट्रीब्यूट्स, फिर हमारा हो जाएगा इसका वेब ब्राउजर हो जाएगा इसका, और इसके बाद हमारा अगला इसका हमारा हो जाएगा 16। तो ये करने के बाद हमें इसको सबमिट करता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने 5 में 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट किए हुए हैं। तो कुछ इस तरह से प्ले अगेन करने के लिए आ जाता है। अब यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ, अगर आपको समझ में, देखिए अगर आप बिगिनर हैं अभी तो अब मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी।
तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि जावास्क्रिप्ट की मैं पूरी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप वहाँ पर मास्टर माइंड नारायण सर्च कीजिए और वहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट की मैं अभी सीरीज जल्दी ही अपलोड करूँगा, बिल्कुल लेसन वन से, बिल्कुल बेसिक लेवल से, यानी कि हमने हेलो वर्ड का जैसे प्रोग्राम आप सी में बनाते हैं सबसे पहले उस लेवल से लेकर के मैं स्टार्ट करूँगा, एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा जावास्क्रिप्ट। तब तक आपको क्या करना है कि अभी आप जो हमने ये वेबसाइट बनाई आप इसको कोशिश कीजिए और यहाँ पर जो भी समझ में ना आए, मैं तो समझा रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन जो भी समझ में ना आए, कहीं भी दिक्कत है, आप उनका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप एक बार दो बार अपने से करेंगे तो आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर कॉन्स्ट के लिए क्विज डेटा हमने यहाँ पर तैयार किया हुआ है सबसे पहले, और यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन बना लिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है हमारा क्वेश्चन, और कुछ इस तरह से ऑप्शन बनाने हैं आपको और फिर उसके बाद करेक्ट लिखना है जो भी ऑप्शन आपका सही होगा। जैसे कि हमारा पहला का ऑप्शन बी था तो हमने करेक्ट लिखने के बाद बी कर दिया। सेम इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हमने तैयार किया, ऑप्शन दिए ए बी सी डी लिख करके, करेक्ट इसका आंसर हमारा बी था तो हमने यहाँ पर बी कर दिया। यहीं से वो हमारा चीज़ को देखेगा कि हमने वहाँ पर बी ऑप्शन को सेलेक्ट किया है अगर, तो हमारा बी अगर हमारा सही होता है तो वो वन नंबर काउंट करेगा, वो मैं आपको आगे दिखाऊँ कहाँ पर हमने लगाया हुआ फंक्शन। फिर यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन और यहाँ पर करेक्ट सी हमारा इसका, इसी तरह से हमने चौथा क्वेश्चन बना लिया, करेक्ट बी इसका आंसर है और सेम वही चीज़ें अभी चल रही हैं। फिर यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन हमने बनाया और यहाँ पर करेक्ट इसका डी आंसर कर दिया। अब ये कॉन्स्ट क्विज हमने दिया डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आई डी बाई आई डी से लेगा और यहाँ पर क्विज, और फिर ये कॉन्स्ट आंसर एलिमेंट के लिए अब क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर आल और यहाँ पर आंसर, फिर कॉन्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई एडी क्वेश्चन, और यहाँ पर हमने क्वेश्चन के लिए बनाया। अब यहाँ पर हमें टेक्स्ट के लिए बना लेने हैं ए बी सी डी जो हमारा टेक्स्ट है, तो ये हमने टेक्स्ट के लिए इतना एरिया तैयार कर लेना है। फिर अब हमारा आ जाता है बात सबमिशन के लिए, तो यहाँ पर हमारा सबमिशन के लिए ये चीज़ें हमें तैयार कर लेनी है। अगर हमारा देखिए आंसर यहाँ पर, अब देखिए हमने क्या बताया था कि अगर आपको आंसर ट्रू होगा तो वहाँ पर वन इंक्रीमेंट करेगा और आंसर अगर फॉल्स होगा तो हमारा डिक्रीमेंट कर देगा। तो आंसर के लिए हमने यहाँ पर देखा चेकड करेगा फॉल्स अगर होता है तो, और यहाँ पर चेकड करेगा हमारा अगर ट्रू होता है तो इस तरह से फिर हमारा आंसर को करेक्ट करके वहाँ पर वन नंबर इंक्रीमेंट कर देगा। तो ये हमारा कुछ कोड है, तो अगर ये मैं नेक्स्ट वीडियो में भी इसको डीपली चर्चा करूँगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा हमने यहाँ पर समझा दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कंडीशन हमारी, कंडीशन देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ़ आंसर आंसर इज इक्वल क्विज डेटा और यहाँ पर हमारा आंसर करेक्ट होता है तो हमें स्कोर प्लस प्लस, यानी प्लस प्लस का मतलब होता है कि हमारा वो नंबर को इंक्रीमेंट कर देगा, और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हमारा स्कोर करेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पर हमारा नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये हमारा होता है, यहाँ पर हमने इफ़ कंडीशन, इफ़ और इल्स लगा दिया हुआ है। ये आपको अगर आप सी पढ़े होंगे, आपको सी अगर समझ में आता होगा तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी, इफ़ और इल्स वाला कंडीशन। लेकिन मैं आपने आपको बताया कि मैं जो बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा, जैसे सी में आप हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं उस लेवल से मैं स्टार्ट करूँगा इसका जावास्क्रिप्ट का। तब तक के लिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो देखते रहिए, और यहाँ पर देखिए इनका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए, मैं ऊपर से दे देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आप यहाँ तक का पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और फिर अगर आप अपने से करेंगे, आप दो बार तीन बार करेंगे तो एक एक लाइन आप लिखते चले जाएंगे, सेव करेंगे रन करेंगे, सेव करेंगे रन करेंगे, तो आपको वहाँ पर चीज़ें समझ में आती चलेंगे कि भाई एक्चुअली में पेज में हो क्या रहा है। फिर इसी तरह से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार, ये पूरा आपका जावास्क्रिप्ट वाली चीज़ ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर आप ये हमारा HTML वाला है क्विज का, और यहाँ पर ये हमने जो आपको CSS का बताया था, CSS भी आप यहाँ से ले लीजिए, और ULLI से आप एक बार फिर से ले लीजिए यहाँ तक, ये यह आपका यहाँ पर JavaScript का ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो इस तरह से आप ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्विज का आप बना सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।